पहुंचे हैं और मथुरा में भगवान का सुंदर राजोचित ढंग से सत्कार होता है। ये जो श्यामली से है ये वो स्वरूप को देख करके रह गए। इसके बाद में भगवान सीधे जाते हैं रंग भवन में और वहां जाकर के जो कंस का धनुष था उसको तोड़ देते हैं। हाहाकार मचने लगता है। इसके बाद भगवान एक धोबी के पास जाते हैं, वहां से वस्त्र लेना चाहते हैं। धोबी मना किया तो भगवान ने उसका हाथ से ही उसके सिर को धर से अलग कर दिया। फिर भगवान धरती के पास जाते हैं, वो स्वीकार कर लेता है, उसको आशीर्वाद देते हैं। माली के पास जाते हैं, माला धारण करते हैं और इसके बाद में शैलेंद्री जो कुब्जा थी उसे भगवान चंदन स्वीकार करते हैं और रंगभूमि में जाकर के भगवान जब धनुष तोड़ देते हैं। अब कंस को लगने लगा कि शिव भगवान ने यह धनुष दिया था और कहा था जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। आज प्रातः काल हुआ, रंगभूमि में जिस समय भगवान प्रवेश करने लगे, कोवलिया पीड नाम का हाथी जिसने 10,000 हाथियों का बल था गेट पर खड़ा कर दिया, भगवान का रास्ता रोक लिया, भगवान को कुचलने के लिए मारने के लिए जैसे कोवलिया पीड आगे बढ़ा, बलराम दाऊ भैया ने दौड़ करके उसके दोनों दांतों को पकड़ लिया जा करके और उसके दांतों को पकड़ करके हिलाया। भगवान ने पीछे से पूंछ पकड़ ली। 10,000 हाथियों का बल था ऐसे कुंवरिया पेड़ को भगवान ने खेल खेल के मार दिया। और इसके बाद में रंग भवन में जैसे प्रवेश किया, वीरों को वीर दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव दिखाई दे रहे, अपने लोगों को भगवान स्वयं दिखाई दे रहे हैं, नंदी बाबा को नंद को पुत्र दिखाई दे रहे हैं, कंस को मृत्यु दिखाई दे रहे हैं, विद्वानों को परम विद्वान दिखाई दे रहे हैं और योगियों को परम योगी राज भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध हुआ, मनों को भगवान ने परास्त कर दिया, मार हाथ में तलवार, भगवान ने उसे सहेज ही पकड़ लिया, तलवार छुड़ा करके उसको वायुमंडल में घुमा करके और अब तो ऐसा हो गया और उसके छाती के ऊपर वक्षस्थल के ऊपर भगवान बैठ गए और कंस मामा के दो बाल अपने हाथों से पकड़ लिए। अब कंस कह रहा है कि लाला मेरे बाल छोड़ दो, तुमने मेरी माता देवकी को रथ से बाल पकड़ करके ही केश पकड़ करके खींचा था। देवकी कह रही थी भैया तुम तो भाई थे, कह रही थी भैया छोड़ दो मुझे, मेरे केशों में पीड़ा हो रही थी, आज तुझे पता चला कि केशों को पकड़ने से पीड़ा होती, समाज को बहुत दुख दिया। भगवान ने क्रोध में आकर के दोनों मुष्टिकाओं का ऐसे उसके वक्षस्थल पर जैसे प्रहार किया, कंस का प्राणांत तो हो गया और जितने भी दुष्ट थे बलराम जी ने पल भर में सभी राक्षसों का वध कर दिया। देवता जैसे कार्य करने लगे, पूरे मथुरा में जो अच्छे लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, जो चाहते थे कि भगवान विजय हो, वो सब लोग भगवान की आरती करने लगे। जैसे इसके बाद में भगवान ने प्रणाम किया, बंदी ग्रह से उन्हें छुड़ाया। देवकी वसुदेव ने बहुत ही स्नेह किया, माथे छुड़ा करके गद्दी पर बिठाया। भगवान माता ने क्या ध्यान से सुना, श्री कृष्ण के लिए सुंदर व्यंजन बनाया, जो भगवान के लिए भोजन बनाया उस भोजन की थाल में एक माखन की कटोरी और मिश्री की कटोरी रख दी कि मैया की सख्त तो हो गई बढ़ जाती और उसको अंक में भर लेती। हृदय बड़े कृष्ण को देखा था, कभी वो वाला छोटे बचपन वाला जिसने लाड़ नहीं किया तो कोई बड़ी माता ऐसे अपने पुत्र को हृदय से नहीं लगा सकती। देव की माता रुदन कर रही है। जब उद्धव ने पूछा कन्हैया तू क्यों रो रहा है, उद्धव मोहि मोहि ब्रज विसरत
नगरी मन मुक्ता जी माई जब ही सुरत आवत हुआ सुख की जियहु नगर की सुख पाई। जब हमें अपने उस सुख की याद आती है तब हमें ये सब कुछ तुच्छ दिखाई देता है। उधो वहां की गाय गैया मैया हमसे कितनी स्नेह करती थी। एक बात मैं कहूं, भगवान गोविंद का जो नाम पड़ा है वो गौ सेवा करने से पड़ा है। वर्ष का कि यहाँ की गौ की सेवा जैसे होनी चाहिए, आज भी सड़कों पर पॉलिथीन खाते हुए आपको, गंदी चीजें खाते हुए आपको दिख जाएंगे, कोठियों पे रह रहे हैं और यहाँ संभव नहीं है, पास होता है। अच्छा, उसमें बहुत अधिक गाय नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो जाते हैं वहाँ। आपने देखा एक सेवा कुंज की जगह है निधि वन के पास है। और सेवा कुंज में भगवान ने क्या किया था, राधा रानी के चरणों को दबाया था अपने हाथों से। वो जगह अगर राधा रानी भगवान की पत्नी होती तो क्या आप सब बताओ, आपने अपने पति से पैदा हुआ थी कोई नहीं।